रिस्पेक्ट कर दिए डेफिनेटली में पर दिल मत मनाइएगा व्यवहार का तो उसने उन लोगों को समझा दिया इसी बात में तुम लोग का जो है कि सफाई करनी है अभी तो है आना जाना है जैसे काम खत्म हुआ साफ सफाई हो गया चलिए अभी पूरे राज्य के अंदर भगवान शिव की चरण का जो हमारे अहिंसा चल रहा है उद्घाटन किया है मिला है आप लोगों को सुनने का जी तो मैंने सबको साधुवाद दिया है क्योंकि शास्त्रीय लोगों ने साधुवाद दिया है देवन गाँव के बाहर का वास्तव में इस कार्य में लगे हुए हैं और युवा शक्ति जो है भैया बहनों को देखिए कि बड़ा उन लोगों में आज हर जगह स्टेशन कहाँ कर रखते थे वो अपना टीका भी दिया आपके लिए अस्पताल इस अस्पताल से हम लोगों का व्यक्तिगत लक्ष्य लगा हुआ है हमारे बीमा के पहले हम लोग मशरक आते हैं विश्वा पूर्ण और मशरक पूरी है बगैर नजदीक यही पड़ता है इस तरह से हम जा रहे हैं और पानापुर हमने बीमे से सफाई को दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती और अपना तो आप लोगों को विशेष करके गंगा पहुँचने हम लोगों को पसंद शहर को उनका हॉस्पिटल है उनका निधन उनके साफ सफाई करना बहुत लोगों में जो हम सकते हैं पूरे देश के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान हुआ है कि तृतीय चरण का 9 मई से शुरू होगा इस क्रम में हम अनेकों अस्पतालों में गए हैं जिसमें युवा शक्ति जो है भैया बहने हैं वो बड़े पैमाने पर अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं टीका ले रहे हैं और जो प्रबंधन देखे हैं इस प्रबंधन से मैं बहुत खुश हूँ और एक बात कहेंगे कि जो हमारे समाज के अभिभावक वर्ग जो बुद्धिजीव वर्ग उनसे आग्रह आपके माध्यम से कर रहे हैं कि जो हमारे चिकित्सक पदाधिकारी हैं जो इससे संबंधित कर्मचारीगण हैं प्रशासनिक इकाई में जो हमारे पदाधिकारीगण हैं कर्मचारी सभी मिलकर इसको एक पर्व के रूप में मना रहे क्योंकि समाज एक मुल्क है तो हम हैं इसलिए आपके माध्यम से पुनः लोगों के बीच अपनी संदेश को देना चाहते हैं कि लोग अपने नियरेस्ट जो स्वास्थ्य केंद्र है या जो भी पॉइंट बनाया गया अस्पताल के माध्यम से वहां जाएं और टीका जो दिया जा रहा है उसका उपयोग करें बहुत बहुत धन्यवाद।